एक कार ली सिविक, एक बंगला लिया बहरिया टाउन में, दुबई में अपना बड़ा बिजनेस किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अबे कहाँ से आए? कौन है? अबे मुझे भूल गए, मैं शेबी से जो पहले डेली व्लॉग बनाता था। कहाँ शार्ट हो गया था तू? अब कोई नहीं जानता तुझे। तो चुप से बैठ, आगे अब मैं दोबारा से डेली व्लॉग स्टार्ट करने के लिए बीमार था, इस वजह से व्लॉग नहीं बना रहा था। और अपना ही कोई तुझे यहाँ पर सब्सक्राइब करेगा, निकल यहाँ से। अभी मैं इनको एक दफ़ा बोलूँगा ना सब्सक्राइब करने के लिए, ये लोग सब्सक्राइब कर देंगे। तू मुझे बदुआ दे रहा है, रुक स्टिक का है, मैं तुझे बताता हूँ। खत्म, बाय बाय। अच्छा अच्छा भाई भाई जा रहा हूँ। मार खाने से पहले ही शार्ट हो गया यार वो। तो वेलकम करो आप लोग मुझे यूट्यूब पर, डेली व्लॉग दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट्स वगैरह डाल लेता शेर व शायर। वैसे तो मैं हूँ नहीं, मैं आप लोगों को इसका जवाब भी शेर पर देता हूँ। ना शहजादा हूँ दिलों का, ना शायर हूँ लफ्ज़ों का, जबान बस साथ देती है बातें दिल की करता हूँ। तो कैसी लगी यार आप लोगों को मेरी शेर व शायर, पहले शॉर्ट्स वगैरह भी डाला, कमेंट्स में बताना। आप लोगों को सारी डिटेल्स बाद में देता हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है। तो व्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी मुझे जाना है किसी काम से और टाइम भी इधर हो गया है 11:45 और काफ़ी ज़्यादा आज लेट हो चुका है मुझे। मेरी मॉर्निंग भी आज जल्दी हो गई क्योंकि मुझे कहीं जाना था। जल्दी से उठाते हैं हेलमेट और निकलते हैं। मेरा भाई गेट खोलने से पहले मुझे अपना मोबाइल ऑफ करना होगा क्योंकि ये कराची है वाला मेरे साथ हो जाएगा। ख्यालों की तबीयत जिंदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मिलते हैं बाद में। 2 hours later चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो फाइनली मैं काम से फारिग होकर आ चुका हूँ और ख्यालों की तबीयत जिंदा नहीं हुई, सही सलामत घर पहुँच चुका हूँ। जल्दी से फ्रेश होता हूँ, फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ। और यार एक बात बताना था, मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था आप लोगों ने देखा होगा, सॉन्ग की रिकॉर्डिंग और शूटिंग दोनों हुई थी। तो काफ़ी सारों ने मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर मैसेज करके पूछा कि यार सॉन्ग अभी तक रिलीज नहीं हुआ, आपने कहा था और हम्माद ने कहा था। उस दिन हम्माद ने कहा था भाई, मेरे पर कैमरा नहीं था, हम्माद ने बोला था कि सैटरडे वाले दिन रिलीज़ हो जाएगा। 2 weeks होने वाले ये सैटरडे, परसों 2 weeks हो जाएगा, अभी तक अपलोड ही नहीं किया। उसका रीज़न क्या है? ये है कि सॉन्ग की जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी वो सही नहीं हुई थी, बाकी शूटिंग वगैरह सारी चीज़ ओके हुई थी। रिकॉर्डिंग हम लोगों ने एडिट वगैरह सब चीज़ कर दिया था, बट उसमें थोड़ा सा मसला था, इस वजह से वो हम लोगों ने कहा नहीं भाई अपलोड नहीं करो, अच्छे से अच्छा अपलोड करना है ना, और आप लोगों को अच्छे से अच्छा गाना सुनना है, रैप सॉन्ग सुनना है। तो इस वजह से हम लोगों ने रोक दिया था। अभी देखते हैं उसका क्या सीन है। बाकी शॉर्टकट गैलेक्सी का अभी शूट वगैरह स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा। अरे एक बात तो बताओ तुम, अबे फिर से आ गए तुम? बस एक बात पूछना हम लोगों ने, फिर हम लोग चले जाएंगे। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बताऊँ, पूछना है तो 5 मिनट रुको, मैं अभी अपने लैपटॉप वगैरह में काम करूँगा तो तुम्हें बता देता हूँ। बेटा कितना पैसा कमाया तुमने? कितने पैसे वगैरह फोड़ लिए तुमने यूट्यूब से? तुमने कितने पैसे कमाए यूट्यूब से? कितने कमाए यूट्यूब से पैसे? कितने कमाए यूट्यूब से पैसे?
की ये वाली प्रॉब्लम क्यों नहीं जाती है? दूसरों पर नजर क्यों रखते हो? अपना काम किया करो और मुझे भी अपना काम करने दो। बता दो यार हम लोगों को, जब सारे इतने परेशान हो तो मैं ही आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग टेंशन क्यों लेते हो यार। 28 जुलाई 2022 को मेरा फर्स्ट व्लॉग था, जो आज तकरीबन एक साल 2 months हो गए, और इस्लामी डेट से वो था 9 मुहर्रम, और अभी चल रहा है सितंबर। मुझे एक साल 2 months हो गए हैं और मैंने यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमाए। एक कार ली सिविक, एक बंगला लिया बहरिया टाउन में, दुबई में अपना बड़ा बिजनेस किया। अरे कितने हो यार तुम लोग, इतने आराम से सुन रहे हो, ये मैं अपने दिल की दर्द बता रहा हूँ यार। एक साल हो गया यूट्यूब से, एक रुपए का एक पेन तक नहीं खरीदा मैंने। लेकिन एक बात हमेशा ये याद रखना, यूट्यूब छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगा, इसमें मेहनत करूंगा इसमें मेहनत। और इसमें कामयाब होकर दिखाऊंगा, और अब मेरा जो मिशन है उस मिशन तक लाजमी मैं जाऊंगा इस यूट्यूब से। तो ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल देना कि मैं यूट्यूब छोड़ के भागने वाला हूँ। तो मजा आया आप लोगों को इस वीडियो में, क्योंकि काफी ज्यादा लोग मुझसे ये सवाल वगैरह करते थे। मैंने कहा चलो इसमें कोई फनी वीडियो भी बनाया जाए, आप लोगों को भी इंजॉय किया जाए और इसका रिप्लाई भी दे दिया जाए। तो आप लोग, आई होप कि ये व्लॉग इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। अगर आप लोगों को ऐसी फनी वीडियो चाहिए तो जल्दी से यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो और फेसबुक पेज को करो आप लोग सब फॉलो, और एक दो दिन में आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ न्यू लेकर आने वाला हूँ, जिससे आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो बहुत ही आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी आप लोगों को। तो आप लोग वेट करो, एक दो दिन बाद अपलोड होगा, या हाँ एक दो दिन बाद मैं ऐसा कुछ अपलोड करूँगा तो जो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में हो। वो हमारी अपनी वेबसाइट है, आप लोग बहुत ही अच्छा अर्निंग करोगे और बहुत ही कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो ऐसी वीडियो का करना आप लोग इंतज़ार, मैं आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूँगा। तो अभी से मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।